बिजनौर थाना कोतवाली शहर के SRS मॉल के चौराहे पर रात तेज रफ्तार गन्ने से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गया। इस अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे एक युवक और एक बच्ची दब गई थी, जिन्हें स्थानीय और पुलिस की मदद से दोनों को काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे से निकाला गया। उधर बच्ची और युवक को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, तब तक युवक ने दम तोड़ दिया, लेकिन बच्ची का इलाज डॉक्टर द्वारा किया जा रहा था। उधर युवक की मौत पर घर पर कोहराम मच गया। पुलिस ने पंचनामा भर युवक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हम आपको बता दें कि ओवरलोड चल रही गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉले को पकड़ने के RTO विभाग द्वारा कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा। आए दिन इन्हीं गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉले से एक्सीडेंट में लोगों की मरने की सूचना आती रहती है। इसी कड़ी में बिजनौर के SRS मॉल के चौराहे पर रात 10 बजे बिजनौर शुगर मिल गन्ने ले जा रहे तेज गति से अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉला सड़क पर पलट गया। ट्रैक्टर ट्रॉले के नीचे एक युवक अरुण और एक बच्ची दब गई। रात में स्थानीय और पुलिस की घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह से इन लोगों को निकाला गया। ये क्या पूरा मामला है? ट्रॉली गन्ने की आ रही थी, SRS मॉल के सामने एक आदमी क्रॉस कर रहा था, अरुण नाम का लड़का, और ट्रॉली जिस वाले जो पलट गई उसमें दब गया, उसकी मौत हो गई, एक बच्ची घायल हुई। दोनों को हॉस्पिटल लाए गए, आदमी की डेथ हो गई, अरुण नाम के लड़के की, मॉल में काम करता है, एक लड़की ठीक है, वो जिसको थोड़ी चोट है।